हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए आपको और कौन कौन से आसान, अचूक और असरदार उपाय करने चाहिए पंडित जी? कुछ और उपाय जल्दी जल्दी, जो आसान हो वो बता दीजिए लेकिन अचूक। देखिए, शुक्रवार को इत्र या परफ्यूम खरीद कर पति पत्नी दोनों यूज करें। शुक्रवार को हो सके तो खट्टी चीजों का सेवन ना करें। शनिवार और मंगलवार को चूड़ियां ना खरीदें। 3, 5 या 7 शुक्रवार 125 ग्राम कपूर नदी में प्रवाहित कर सकते हैं या किसी मंदिर में आरती के लिए दान कर सकते हैं। आरती के लिए दान करना ज़्यादा उचित है। गुरुवार को केले के पेड़ पर तिल के तेल का दिया जलाएं। सोमवार से शुरू करते हुए 40 दिनों तक लगातार शिव मंदिर में चीनी का दान करें। घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में ना बनवाएं। दक्षिण पूर्व दिशा में भी बेडरूम ना बनवाएं। पति पत्नी दक्षिण और पश्चिम दिशा के रूम में ही सोएं। पति पत्नी अपने पति के हमेशा बाईं ओर ही सोए। दाहिनी तरफ पति के अगर सोएगी तो पति के आयु का हरण होगा। अपने बेडरूम में गहरे रंगों का इस्तेमाल न करें। शुक्रवार को गुलाब का फूल खरीदकर अपने कमरे में गुलदस्ते के रूप में रखें। अपने कमरे में किसी भी देवी देवता राधा कृष्ण को छोड़कर किसी की तस्वीर न लगाएं। अपने डाइनिंग टेबल पर मछलियों का जोड़ा रखें। ऐसा करने से पति पत्नी में आकर्षण बढ़ता है और दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रहता है। जिन लोगों को संतान सुख नहीं है वो अपने बेड के पास हाथी का जोड़ा रखें। वैवाहिक जीवन को सुखी और सफल बनाने के लिए उड़ते हुए हंसों का जोड़ा भी आप अपने घर में रख सकते हैं। अपने कमरे और घर में कपूर जलाकर उसका धुआं दिखाएं। गर्म तवे पर दूध के छींटे मारें। घर के मंदिर में पारे का शिवलिंग की स्थापना करें। कांच की शीशी में शहद भरकर अपने बेड के नीचे कुछ दिनों तक रखें। इससे आपके वैवाहिक जीवन में सहजता और सरलता आती है। जय मां विंध्यवासिनी। दर्शन 24 यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।